हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट पीएचडी पर। जैसा कि हमारे इस दिन देखना है पीएचपी ट्यूटोरियल, और ये हमारा पीएचपी ट्यूटोरियल पार्ट 7 है, जिसमें हम देख रहे हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। और आज हम देखेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के, बेसिकली इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज हम किस तरह से करते हैं। तो हम आ जाते हैं हमारे टेक्स्ट एडिटर पर। यहाँ पर मैं इसी में कोड में करेक्शन कर लेता हूँ। तो देखिए, मैं इस कोड को हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, जैसे मैं इसे हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए इक्वल टू 25 एंड बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू 70। इससे मैंने तीन वेरिएबल बना लिए। अब हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करके ये चेक करेंगे कि इन तीनों नंबरों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ डॉलर ए ग्रेटर देन बी, डॉलर ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बड़ा है बी से तो हमारा पहला वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर प्रिंट होगा ए को ए इज ए इज ग्रेटर देन। इसके बाद हम सेकेंड लिखते हैं, एल्स पर आ जाते हैं, और यहाँ पर हम फिर एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ डॉलर बी ग्रेटर देन सी। अगर बी सी से बड़ा है तो हमारा ये ब्लॉक एग्जिट हो, यहाँ पे एक होगा echo b is greater। then इसके बाद हम एक और कंडीशन लगा देते हैं, else। इसमें हमें एक और if कंडीशन लगा देते हैं, if जो हमारा c है वो ग्रेटर देन है अगर ए से, तो इस तरह से पूरा राउंड हो जाएगा हम। और यहाँ पर हम एको करवा लेते हैं, एको सी इज ग्रेटर। देन हम एक और एल्स ब्लॉक लिख देते हैं, अगर सारे फॉल्स आएंगे तो एक ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होना चाहिए वैसा, तो हम लास्ट वाला लिख देते हैं। यहाँ हम एको करते हैं, इज ग्रेटर। इस तरह सोच लिया कि हमने पहली कंडीशन में इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो हमारा पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हम एल्स इफ पर आ जाएंगे। फिर यह कंडीशन चेक होगी कि बी अगर सी से बड़ा है तो हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज हम अगले पर आते हैं। और यहाँ पर सी ग्रेटर देन ए, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सी भी ग्रेटर प्रिंट होगा, अदरवाइज हम लास्ट पे जंप करेंगे। तो हमारा इसमें 25 ए बड़ा है तो हमें प्रिंट होगा ए इज ग्रेटर। तो हम इसका सेव और इसका आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। तो जब हम रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया तो देखिए ए इज ग्रेटर। मैं यहाँ सी को ग्रेटर करके देख लेता हूँ कि अगर सी ग्रेटर है तो प्रिंट हो रहा है कि नहीं। जब यहाँ आगे रिफ्रेश करते हैं तो रिजल्ट नहीं आया, ऐसा क्यों? 77 किसी और को करके देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ टी 155, रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए बी हो रहा है। किसी कारण से, टेक्निकल प्रॉब्लम कारण, सी को ले नहीं पा रहा है। इस तरह से हम जैसे कि कंडीशन चेक करते हैं कि किस तरह से कौन सा वेरिएबल बड़ा, तो इन तीनों में कंपैरिजन करेगा कि कौन सा वेरिएबल बड़ा है और जो हमारा बड़ा वेरिएबल है उसको प्रिंट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में, और अभी की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी रिसेंटली अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।